नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट सुदीप सिंह सिद्धू। नाउ दैट इज सिद्धू मूसावाला। जी हाँ, सिद्धू मूसावाला के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। अपेरेंटली उसने मेरे बारे में वीडियोस भी बनाए हैं जब मैंने दलजीत दोसा को टारगेट किया है। जी हाँ, दलजीत या दिलजीत दोसांज हैज एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट ही इज अ डफर, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से दोसा की फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग फार्म बिल्स को पढ़े बिना ऑब्वियसली फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज में आने के लिए। तो एक दूसरा पंजाब से रिलेटेड सिंगर है, जी हाँ, सिद्धू मूसावाला इज अ इंडियन सिंगर रिलेटेड टू पंजाब सिनेमा एंड पंजाब फिल्म्स। वो सिद्धू मूसावाला जो गन की फोटोग्राफ्स रखता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मुझे लगा कि इज समबडी हु हैज लॉट ऑफ यू नो एग्रेसिव थॉट प्रोसेस। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में क्या बातचीत करनी है। बगर अब जब ये कंटिन्यूसली मुझे अटैक कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे ऑब्वियसली फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फार्मर्स ठंड में बाहर वहां पर बैठे हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे आप बताओ कि आप लोग फार्मर्स बिल पढ़े बिना इस आंदोलन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। मैं खालसा एड के खिलाफ नहीं बोल रही, मैंने संत बिंद्रावाला के खिलाफ भी नहीं बोला। ये तो बरखा दत्त संत बिंद्रावाला को आतंकवादी बोल रही है जब उसने आपके पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की इंटरव्यू करी। मैं तो खाली इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं कि भैया ये फार्मर्स बिल फार्मर्स के हित का बिल है, तो फार्मर्स को आप ठंड में क्यों बिठा रहे हैं। खालसा एड द्वारा ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, लंगर की, इसकी, उसकी, वो क्यों कर रहे हैं भैया? फार्मर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई एजेंडा है। इसके ऊपर मैं बातचीत कर रही हूं, एजेंडा क्या है। और आप सिद्धू मूसावाला, आपको आई थिंक पकड़ा गया था बिकॉज यू वर यू नो डूइंग अ ट्रेनिंग विद AK-47। जी हाँ, AK-47, उसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे थे विद 5 और 6 पुलिस ऑफिसर्स और आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया था। आपको बेल मिली नहीं मिली, आई डिड नॉट रीड द होल इन्फॉर्मेशन, बट यू हैव समथिंग टू डू विद सम प्रमोशन ऑफ गन कल्चर। जी हाँ, आप समझते हैं कि आप द सो कॉल्ड पंजाबी संजय दत्त है, ये आपकी थॉट प्रोसेस है। कैनेडा में जाकर आपने अपना पहला गाना रिलीज किया, 2017 में आपने ब्रिट एशिया यू नो म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड जीता। तो ठीक है, आपके कनेक्शंस हैं लंदन और कनाडा के अंदर, विच नोबडी इज लाइक अगेंस्ट, मगर आप यहां पर बैठ के, इंडिया में बैठ के, इंडिया से रोजी रोटी कमाकर इंडिया के फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक एजेंडा प्रमोट करने के लिए जो एजेंडा इंडिया के खिलाफ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है। देन आई एम गोइंग टू कॉल आउट, बिकॉज यहां पर मैं घर में बैठकर ही वीडियोज बनाऊंगी, कॉफी पी के ही वीडियोज बनाऊंगी, योगा करके ही वीडियोज बनाऊंगी, क्योंकि मैं दारू नहीं पीती, मैं स्मोक नहीं करती और कोरोना वायरस पैंडेमिक है, मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगी अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। मैं ऑब्वियसली एक क्राउड का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं बनूंगी, मगर आप लोग ऑब्वियसली कोरोना वायरस पैंडेमिक को लाइटली ले रहे हैं, फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक एजेंडा प्रमोट करने के लिए। फार्मर्स बिल को न पढ़ के खालसा एड प्रमोशन कर रहे हैं, संत बिंद्रावाला प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप जाने आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गन कल्चर को भी प्रमोट करते हैं जो ऑब्वियसली हमारे देश के सेक्युलर्स पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो गांधी जी के चमचे हैं, उनको तो अहिंसा परमो धर्म ये स्लोगन प्यारा है, तो वो आपके साथ कैसे खड़े हो गए। मगर उनका तो फ्रैंकली लाइफ में कोई मॉरल एथिक्स ही नहीं है, कोई स्टैंड ही नहीं है। वो है ना थाली के बैंगन जैसे है, वो इधर भी डुल जाते हैं उधर भी डुल जाते हैं। उनका लाइफ का मेन एम ये है कि मोदी जी के खिलाफ बोलो। तो अगर आप भी ये एम से फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम आज आपके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, हम आज आपको आपकी 2 मिनट की पब्लिसिटी दे रहे हैं, आपको जो पब्लिसिटी चाहिए थी क्योंकि आप बार बार हमारा नाम ले रहे हैं। तो सिद्धू मूसावाला द सो कॉल्ड सिंगर ऑफ पंजाब, आपका ये जो गन कल्चर प्रमोशन वाली थॉट प्रोसेस है, ये एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, और आगे से मेरे पर टारगेट करने से पहले कम से कम फार्मर्स बिल पढ़ो और ये समझो कि मैं अपने वीडियो में क्या कह रही थी। मैं ये नहीं कह रही थी कि फार्मर्स आतंकवादी है, मैं ये कह रही थी कि जो फार्मर्स अपने हाथों में संत बिंद्रावाला की फोटोग्राफ लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बरखा दत्त आतंकवादी कह रही है। समझो, सोचो और फिर अपना मुंह खोलो। नमस्ते, जय हिंद।